अच्छी से सी सी करती ये आँखें, हर सपने को जी जी करती हैं, हाय क्या करूं मैं, क्या करूं। आशा की सीढ़ी पे पाँव पाँव चढ़ती ये आँखें, हर सपने को जी जी करती हैं, हाय क्या करूं मैं, क्या करूं। हम कोलीग्स हैं, दोस्त हैं। तुम्हारे पे बुरा वक्त चल रहा था, मैंने तुम्हारी मदद की, उस दौरान हम एक दूसरे के करीब आ गए, दैट्स इट। आप लोग क्यों मेरी जान नहीं छोड़े? कहा ना मैं ठीक हो जाऊंगी, कुछ नहीं हुआ मुझे। सर लाख चाहने के बावजूद भी मैं आपसे दूर नहीं रह पा रही। अंजाम मालूम है उसका, कैसी बातें करी हो तुम? ये तुम्हारा और मेरा कब से हो गया भाई? या मैं ये समझूं कि तुम मुझे मेरी औकात याद दिला रही? सर मुझे नहीं पता अंजाम क्या, लेकिन किसी औरत के लिए इजहार कर देना इतना आसान नहीं होता। आपको मेरे बारे में किसने बताया? मुझे जिसके बारे में जानना हो मैं पता चला लेता हूँ। फिर भी जी किसी ने तो बताया ही होगा ना जी। तुम्हें इस बात से कोई गर्ज नहीं होनी चाहिए। फिर तो आपको यह भी पता होगा कि मैं नबील साहब के ऑफिस में पटवार सर्कल में काम करता हूँ, लेकिन पार्ट टाइम। तुम्हें उस लड़की ने क्यों फारिग किया? नबील साहब की फाइल, काजी साहब की नौकरी और मेरी मंगनी टूटने का बहाना बन गया। बहाना मतलब? वो लड़की बड़ी शातिर निकली। पहले उसने अपनी सहेली के मंगेतर से मुआशका चलाया, मुझे तो उसने फारिग करना ही था, और इसका बहाना उसने अपनी बाप की बीमारी को बनाया। तुमको पता है क्या खिचड़ी पक रही है? हाँ, जो कुछ हो रहा है उसका कुछ कुछ अंदाजा है मुझे। इसका मतलब है उसका कोई चक्कर भी रहा है? हाँ, वो लड़का उनका हमसाया है। कोई सबूत मिल सकता है? लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? बस ये समझ लो सेठ साहब का नमक खाया है। मैडम जी बड़ी हया करती हैं। मैडम जी के हक पे डाका तो नहीं डालने दूंगा ना किसी को। क्या मतलब है आप मैडम जी के लिए काम करते हैं? ना ना, मैं खुद चौकन्ना रहता हूँ। मैं तुम पे भरोसा क्यों करूँ? अगर करोगे तो फायदा तुम्हारा है। अगर ये बात सच निकलती है और मामला काबू में आ जाता है तो मैडम जी अपने नमक खारों को नवाजती बहुत है। और वैसे भी अगर वो लड़की वहां से फारिग हो गई तो तुम्हारा चांस बन सकता है। मेरा चांस शायद ना बना, लेकिन जो उसने मेरे साथ किया ना, मेरे अंदर गुस्सा लावे की तरह पक रहा है। मैंने अपने आप को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं नहीं समझा सका। उसको पाने की खातर मैंने अपने अंतर के मर्द के ना की बलि चढ़ा दी, कि वो मेरी नहीं हो सकती, शायद वो किसी की नहीं हो सकती। मैं ये सब कुछ उसको सूद समेत वापस करना चाहता हूँ, लेकिन मैं बेबस। अब नहीं रहोगे तुम, इससे तावन करो, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मुझे करना क्या होगा? अभी तो कुछ नहीं, बस मैं कुछ काम कर लूँ, उसके बाद तुम्हें बताऊंगा, लेकिन फिलहाल उस पर नजर रखनी होगी। ठीक है, कोई मसला नहीं। मैं उस लड़के से मिल सकता हूँ? मिल सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता वो आपसे कोई प्रॉब्लम करेगा। क्यों?
उसकी शादी हो चुकी है और ये बात उसके माजी का हिस्सा बन चुकी है। वो बड़ा सियाना है, वो इस मामले में नहीं पड़ेगा। ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। बहुत ऊंचा उड़ी थी, अब मैं देखता हूं ऊपर कैसे जाती है। मुझे जलील किया था ना, अब मैंने तुझको जलील ना किया तो मुझे कहना, और जलील भी ऐसा करूंगा कि सारी उम्र याद रखूंगा। सलाम सर। हाँ, वालेकुम सलाम। सर वो गाड़ी लेने आया था सर्विस के लिए। गाड़ी तो पिछले हफ्ते करवाई थी सर्विस। जी सर, वो मैडम की गाड़ी थी, आपकी नहीं। वो बार चौकीदार के पास चाबी है, उसे ले लो। ठीक है सर। सुनो। जी सर। तुम पहले घर की ड्यूटी नहीं करते रहे? जी सर, कुछ अर्सा किया है। मैं ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में होता हूँ ना। ठीक। सलाम अलैकुम। तो कलर साहब को कुछ नहीं पता कि वो गाड़ी किसकी थी? सर उन्होंने आउटडोर की सारी फुटेज चेक की, वहां पे वो गाड़ी थी ही नहीं। कैसे हो सकता है यार? मुझे खुद लगा कि मुझे किसी ने फॉलो किया और तुम कह रहे हो कि गाड़ी ही नहीं थी कोई। सर अगर आप इतने वसूख से कह रहे हैं तो हो सकता है गाड़ी गेट से हटके खड़ी की हो। नहीं, मेरा नहीं ख्याल, मेरा नहीं ख्याल, मेरा शक कभी गलत नहीं हो सकता ना। दानिया ये देख ले। ये क्या है? ये राशदा दे गई थी, मैंने तुझसे बात की थी ना। कौन सी बात? तेरी शादी की बात, और कौन सी? अम्मी आप बार बार वही बात कर रही, मैंने मना किया था ना, फिर वही बात। तो क्या शादी नहीं करेगी तू? अम्मी शादी 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 और कोई काम नहीं है। जब तू माँ बनेगी ना और तेरी बेटी इस उम्र को पहुंचेगी तब तुझे पता चलेगा कि जवान बेटी की फिक्र क्या होती है। मम्मी आपकी बेटी बहुत समझदार है, मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत। जाने दे, जानती हूँ मैं कितनी समझदार है तू। मम्मी पता, मेरी शादी की फिक्र आप छोड़ दें, मुझे थोड़ा टाइम दे, कर लूँगी मैं। कहाँ कर लेगी? मम्मी हो जाएगी ना। लेकिन कहाँ? कहीं ना कहीं हो ही जाएगी। मुझे नहीं बताएगी? अभी नहीं, वक्त आएगा तो बता दूँगी। इसका मतलब है कि मेरी बेटी ने कोई लड़का पसंद कर लिया? ऐसे समझ ले। कौन है? देखा हुआ आपने? अरे पता तो है कौन। जानती है ना अम्मी आप। कहीं नबील तो नहीं?
जी दिमाग चल गया तेरा? अम्मी इसमें दिमाग चलने वाली क्या बात है? एक तो वो शादीशुदा है और दूसरे लोग क्या कहेंगे? अम्मी मुझे ना तो इस बात की परवाह है कि वो शादीशुदा है और ना इस बात की कि लोग क्या कहेंगे। वाकई तू बहुत बड़ी हो गई है। आप एक अलग काफी सूट कर रहे हैं। अच्छा वाकई? नहीं तो क्या मैं ऐसे कह रही हूँ? नहीं नहीं बिल्कुल आप ठीक कह रही होंगी यार। आज से पहले कभी मैंने ये एक्सपीरियंस नहीं किया। कैसा एक्सपीरियंस? यही कि जो कुछ मैं पहनूं वो किसी को अच्छा लगे। तो मारिया जो कपड़े निकाल देती है बस सब्र शुक्र करके पहन लेता हूँ। वैसे नबील ये सच है ना, मर्द हो या औरत तारीफ सबको अच्छी लगती है। हाँ लेकिन अगर तारीफ किसी खूबसूरत चेहरे से आ रही हो तो उसकी बात कुछ और होती है। जब आप मुझे बनाए नहीं। अरे मजीद बनाने की क्या जरूरत है मुझे, बिल्कुल ही बना, सच कह रहा। मुझे आपसे बात करनी थी। हेलो। हेलो दानिया जी। तुम? देखा मुझे पता था आप मुझे कभी नहीं भूल सकती। मेरी हल्की सी आवाज पे आपने मुझे पहचान लिया। अच्छा हुआ तुमने याद करवा दिया, भूल गई थी वाकई तुम्हें। क्या भूल गई थी दानिया जी? बस एक काम बाकी रह गया जो भी नहीं हुआ। वो तो अब मैं करूंगा दानिया जी, कुछ अहम इंकशाफात थे मेरे पास आपके लिए। क्या बकवास कर रहे हो? बकवास नहीं दानिया जी, हकीकत है। और ऐसी हकीकत जिसको जान के आपके सारे ख्वाब चकनाचूर हो जाएंगे। ओ हेलो, मुझे तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुननी। ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, बस थोड़ा सा। तुम बकवास करते रहो, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। सुना तुमने? इसलिए कि इसका ताल्लुक नबील साहब से। क्या? मुझे आपने कादी साहब के साथ होने वाली ज्यादती का मुजरिम ठहराया था ना? कहना क्या चाहते हो? कुछ ज्यादा नहीं, बस इसमें सिर्फ एक नाम का इजाफा करना चाहता हूँ और वो नाम है नबील साहब का। बकवास कर रहे हो तुम? हाँ ये सच है, वो फाइल नबील साहब की थी और अगर नबील साहब चाहते ना तो वो इंक्वायरी खत्म भी करवा सकते थे। इंक्वायरी खत्म नहीं करवाई। वो नहीं चाहते थे उनका नाम मीडिया के सामने आए। झूठ बोल रहे हो। ये सच है और यही सच मैं काजी साहब को बताऊंगा। मैं मानता हूं कि ऐसा हुआ है लेकिन सच पूछो तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। नईम भी यही कहता है कि उसका कसूर नहीं है, तो बेकसूर किसका है? देखो मैं तो इन लोगों से काम लेता हूं, मुझे क्या मालूम था कि इसमें कितने लोग फंस जाएंगे। इस सारे मामले की वजह से हम लोग कितनी अजियत से गुजरे, इस बात का अंदाजा है आपको?
अबू की नेक नामी सब कुछ दांव पर लग गया। जानता हूं मैं। इस बात का अंदाजा मुझे उसी दिन हो गया जब मैं तुम्हें छोड़ने के लिए तुम्हारे घर गया था। तो फिर आपने मुझे बताया क्यों नहीं? हिम्मत नहीं हुई। उस दिन तुम्हारी तबीयत खराब थी और मैंने सोचा अगर मैं तुम्हें बता दूंगा तो मजीद हालात खराब हो जाएंगे। नबील, आप मुझे बाद में भी तो बता सकते थे ना। हाँ, लेकिन नहीं बता सका। हालांकि एक दो मरतबा कोशिश भी की मैंने, लेकिन हौसला नहीं हुआ। मुझ पे एतबार नहीं था? अपने से ज्यादा एतबार है मुझे तुम पे। तो फिर ऐसे शख्स से जिससे मैं नफरत करती हूँ, उसके मुंह से मुझे क्यों सुननी पड़ी है सारी बातें? उसकी जबान से क्यों पता चल रहा है मुझे? डर गया था मैं। नबील, किस बात का डर? किस बात का डर? तुम्हें खो देने का डर। किसी सूरत नहीं खोना चाहता तुम्हें, सच कह रहा हूं। ठीक है, मुझे आपकी बात पे एतबार है, मैंने मान लिया। अगर उसने अम्मी अबू को जाके बता दिया तो? तुम अगर मेरे साथ हो तो उनको फेस करने को तैयार हूं मैं। प्लीज ट्रस्ट मी, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। और अगर तुम समझती हो कि मेरा कोई कसूर है इसमें तो माफ कर दो मुझे। पता, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। मैं आपके प्यार में बहुत आगे आ चुकी हूं, चाहूं भी तो वापसी का रास्ता नहीं है। देखो, ये जो छोटे छोटे इम्तिहान होते हैं ना, यही तो रिलेशनशिप्स को ज्यादा मजबूत करते हैं। Trust me. एक मिनट, किधर? क्या हो गया भाई, क्या कर रहे हो आप? और तुम अंदर नहीं जा सकते? मैं अंदर नहीं जा सकता, मैं यहाँ पे काम करता हूँ। और भाई, तुम्हारा सिक्योरिटी पास जो है वो बंद कर दिया है, समझे? मुझे नबील साहब से मिलना है, उनसे बड़ी जरूरी बात करनी है। उनके कहने पे तुम्हारा पास बंद हुआ है, चलो निकलो अब यहाँ से। अब खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? चलो दफा हो यहाँ से, निकलो यहाँ से। यार, एक मतलब मुझे नबील साहब से मिलने दे, मेरी जिंदगी का सवाल है यार। और तुम्हारी जिंदगी से मेरा क्या तलक? चलो निकलो अब यहाँ से। हेलो। जी सर। नहीं नहीं सर, वो कैसे कर सकता है? जी मैं? सर सर, आप फिक्र ना करें सर, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। राइट सर, राइट। अल्लाह हाफिज। दिमाग का छोटा इंसान है, पता नहीं क्या कर दिया उसने। जब रिश्ता ही खत्म हो गया तो अब क्या है? नहीं मियाँ, वो किसके साथ जाती है, कहाँ जाती है, किस से इश्क चलाती है, किस से शादी करती है, अब इससे क्या लेना देना? अभी खून खौलता है मेरा, जिसकी मैंने इतने साल गुलामी की, एक तरह से उनके घर का मैं नौकर हो गया, उसने मेरे साथ ऐसा किया। और तू नहीं जानता उनको, किसी प्लाजे की बुनियादों में मार के डाल देंगे ना, तो पता तक नहीं चलना तेरा। अब ऐसी बात नहीं है, अब मीडिया और अदालतें आजाद हैं। ये दोनों चीजें इन अमीरों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बड़े गुस्से में थे वो, बड़ी मुश्किल से मैंने उन्हें ठंडा किया है। और सुन,
आज शाम तक तेरा तबादला भी हो जाएगा। क्यों? शुक्र कर काके बात तबादले तक रुकी है, अगर इससे ज्यादा बात बढ़ जाती तो क्या? यार तुम्हें अपने नाम का हया नहीं ना, तो कम से कम मेरे नाम का हया कर ले। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैंने अभी बड़े काम ले रहे हैं नबील साहब से। तो आपके कहने का मतलब हो रहा है जो हो रहा है मैं उसको होने दूं और खामोश हो जाऊं? यार तू और कर भी क्या सकता है, ना अपना काम खराब कर ना मेरा कर। और अगर मैं मैडम जी को सब कुछ बता दूं जो कुछ हो रहा है तो? तू पागल तो नहीं हो गया? ये उनके घर का मसला है, जो होता है होने दो। तुम्हें मामा बनने का शौक क्यों चढ़ा हुआ है? शाहजी तूफान आ जाएगा, मिला अगर मुझे कुछ नहीं ना तो अदानिया जी के भी कुछ नहीं आएगा। ना करने मियां, ऐसा ना कर, क्यों आग से खेल रहा है? कोई ऐसी गलती ना करना जिस पर तुम्हें बाद में पछताना पड़े। आज शाम तक तुम्हारा तबादला ननकाना साहब हो जाएगा। छोटा सा शहर है, वहां चला जा, वहीं बस जा और वहीं शादी कर लेना। ये तो सरासर ज्यादती है। मुझे माफी मिल सकती है? मैं तुम्हें समझा रहा हूं और तू है कि चला मेरे साथ चल, बात को खत्म करना ही अच्छा होता है। कहां पे? कैंटीन पे चलते हैं। दानिया वो ऑफिस चली गई? चली गई। देखो ये कितनी गैर जिम्मेदार थी, अब कितनी समझदार हो गई है। कुछ ज्यादा ही समझदार हो गई। क्या मतलब? अपने फैसले भी खुद करने लगी है, बस बता देती है हमें आकर। अब क्या फैसला किया उसने? मुझे लगता है उसने नबील से शादी का फैसला कर लिया। क्या? ये कैसे हो सकता है? तो तुम मुझे अब बता रही हो? मुझे खुद उसने अभी बताया, मुझे अंदाजा तो था मगर मैं कोई बात नहीं करना चाहती थी। लेकिन वो तो शादीशुदा है, ये कैसे हो सकता है? मैंने भी यही कहा था, पता नहीं वो क्या कर रही है, मेरी तो खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। हमने अपनी बेटी को इत्माद देकर गलत तो नहीं किया? उस सूरत हाल में हमने जो कुछ भी किया वो गलत नहीं था, मगर हम सोच भी नहीं सकते थे कि वो ऐसा करेगी। क्या सोचने लगे आप? क्या हो गया? कैसे हो गया? कम से कम मैं इसकी इज्जत नहीं दे सकता। अब बात इजाजत की नहीं है, मुझे तो उसने ऐसे बताया है कि जैसे अपना फैसला सुना रही हो। मेरी बेटी के लिए क्या
शादी शुदा मर्द रह गए। हाँ, यही तो बार बार मेरे दिल में आ रहा है। इस तरह की शादियां ज्यादा अरसे चलती नहीं है। ये बड़े लोग कुछ अरसे के लिए शादी करते हैं और फिर छोड़ देते हैं। अगर हमारी बेटी के साथ भी ऐसा हुआ तो हम कहाँ जाएंगे? बहुत अगर यहां तक आ गए तो हम कर भी क्या सकते हैं? बाशऊर है, हमें बताए बगैर निकाह कर लिया तो हम क्या कर सकते हैं? आप ठीक कह रहे हैं, मगर हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा ना। हम यूं चुप बैठकर उसे डूबता हुआ तो नहीं देख सकते। जवान औलाद को समझाना शायद दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, मगर हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा। आप नबील से बात करके देखें। मैं क्या बात करूं? मेरी हैसियत क्या है? आप ठीक कह रहे हैं, मगर हम उसे समझा तो सकते हैं। हमने ऐसा थोड़ा ही सोचा था कि ऐसा हो जाएगा। फिर भी हम इस तरह अपनी बेटी को डूबता हुआ तो नहीं देख सकते। कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। मेरी बगिंग की गई है। मेरी और सुंबल की कन्वर्सेशन को टैप किया गया है। फिर ये सीडी मेरे घर में, मेरे बेडरूम में, मेरे बेड से मिली है। क्यों? मेरी तो अपनी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये क्यों है और कैसे है। मैं तो ये सोच रहा हूं कि ये किसके कहने पे किया जा रहा है। व्हाट कैन आई से सर, कि ये किसके कहने पे हो रहा है? कहीं इस सीडी के जरिए मुझे कोई पैगाम पहुंचाने की कोशिश तो नहीं कर रहा? मेरी गाड़ी को फॉलो करना, मेरे बेडरूम तक पहुंच जाना। सर, आप तो कह रहे थे कि ये सीडी काफी दिनों से आपके पास है। एक हफ्ते पहले मिली है मुझे अपने बेडरूम से। मैंने उठा के इसको प्ले करने की कोशिश की, लेकिन ये चली नहीं। सर, आपको कुछ याद है कि पिछले हफ्ते आपके घर कोई आया हो? पिछले हफ्ते नहीं, मेरा नहीं ख्याल कोई आया है। तो फिर मैं तो कहता हूं सर कि हमें पुलिस के पास जाना चाहिए। एक नई कहानी शुरू हो जाएगी, बात कहीं की कहीं निकल जाएगी। तो फिर सर एक काम कीजिए, पूरे ऑफिस में लगाइए सीसीटीवी कैमरास। एक एक आदमी की मूवमेंट चेक कीजिए, कौन किस वक्त कमरे में आता है, जाता है, किस किस को फोन करता है, सबका डेटा निकाल के देखिए, किसको किसके कहने पे कब रखा गया था। लेकिन यह बात आपके मेरे अलावा और किसी को मालूम नहीं होनी चाहिए। सर, आपका ट्रस्ट मेरे लिए आनर की बात है। मैंने पहले भी आपके ट्रस्ट को कभी नहीं तोड़ा और अब भी ऐसा नहीं होगा सर।
श्योर? यस सर। दानिया बेटा, तुम्हारी माँ जो बात कर रही है वो सच है? जी अब्बू, मैं और नबील। ये कैसे हो सकता है बेटा? अब इसमें हर्ज क्या है बेटा? वो तुमसे बहुत उम्र में बड़ा है और पहले से शादीशुदा है, और अगर ऐसा हो भी जाता है तो क्या वो तुम्हें सबके सामने लाएगा या छुपा कर रखेगा? अबू, जब शादी करेगा तो लोगों के सामने लेकर भी तो आएगा। उसकी पहली बीवी मान गई? मैं नबील से बात की अम्मी। और अगर वो तुम्हें उसके साथ रखे तो मैं रह लूंगी, इससे क्या फर्क पड़ता है? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा काजी साहब? देख रहे हैं आप, ये जरूर कोई गुल खिलाएगी। अम्मी, मुझे आपकी और अब्बू की इज्जत सबसे ज्यादा अजीज है, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। अगर तुझे हमारी इज्जत अजीज होती तो तू कभी ये सब ना करती। अम्मी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मैंने कुछ गलत नहीं किया। सौतन के साथ रहना गवारा कर लेगी? मुझे पता है, मैं इस बारे में और बात नहीं करना चाहती। क्या हुआ, खैरियत है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल खैरियत है। क्यों, क्या हुआ? परेशान लग रहे मुझे। अरे नहीं, बस ऐसे ही यार। कोई बात है तो मुझे बता दे। अरे नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, अगर कोई बात होती तो मैं जरूर बता दू। अच्छा, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ कहो। घर कब आ रहे हैं? घर? हाँ, अभी कुछ दिन जो है वो ठहर जाओ, हुआ एक दो कामों में उलझा हूँ, उनसे फारिग हो जाऊं तो। नबील, आपका घर आना बहुत जरूरी है। क्यों, क्या हुआ? मैंने अम्मी से हम दोनों के बारे में बात। अरे अम्मी से इतनी जल्दी बात करने की क्या जरूरत थी तुम्हें? इतनी जल्दी क्या मतलब? मेरा मतलब है कि मैं खुद आता और खुद आके उनसे बात कर लेता। तो अभी कर लीजिए ना, अभी क्या बदला है? मतलब कुछ नहीं है, तुम समझ नहीं रही हो, अभी कुछ मामलात हैं जो मुझे शॉर्ट आउट करने हैं। अभी आपने खुद कहा था मुझसे। खुद कहा था और कह रहा हूं, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। क्या हुआ, क्या सोच रही हो? आपने जो कुछ कहा था आप उस पर सीरियस तो है ना? कहीं जज्बाती फैसला तो नहीं किया आपने? कोई जज्बाती फैसला नहीं था, और तुम्हें भी जज्बाती होने की जरूरत नहीं है, नहीं तो फिर कैसे चलेगा ये सब? बहुत भरोसा करती हूँ आप पे, सिर्फ आपके सहारे पे। अरे मत करो ऐसा, मत करो ऐसा, थोड़ा सा इंतजार कर लो। कितना टाइम चाहिए आपको? एक माह, दो माह या फिर? शायद इससे बहुत पहले ही, या शायद इसके। तो तब तक क्या मैं इंतजार की सूली भी चढ़ी रहूं? ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूं, सिर्फ ये कह रहा हूं कि थोड़ी सी मेरी पोजीशन को। क्या पोजीशन नबील, मुझे समझाएं तो सही। ऑफिस है, ये ऑफिस है, कहीं कहीं बाहर चल के बात करते हैं।
लबीर आपको घर आके मेरे अम्मी अबू से बात करना होगी। अरे कर लूंगा बात, तुम क्यों फिक्र करती हो? वो बहुत फिक्रमंद है, उन्हें ये है कि पता नहीं आप इस शादी को सबके सामने लाएंगे कि नहीं। अरे क्यों नहीं लाऊंगा मैं सबके सामने, और फिर भाई दबे उनको ऐसा क्यों लगता है भाई? मुझे खुद समझ नहीं आ रही कि वो इतने परेशान क्यों है, ऐसा क्यों लग रहा है। वैसे उनकी परेशानी ठीक है, इकलौती औलाद है तुम उनकी, तुम्हारी फिक्र नहीं करेंगे तो किसकी करेंगे? सही कह रहे हैं। देखो शादी को पब्लिक करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो आप मारिया को नहीं बताएंगे? बता तो दूंगा लेकिन फौरी नहीं, कुछ देर बाद। देखो मैं तुम्हारे और अपने रिश्ते की बुनियाद झूठ पर नहीं लगाना चाह रहा, जो सच है वो बता रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हमारी रिलेशनशिप में कोई गलतफहमी पैदा हो। नबील ये बात मैं समझ सकती हूँ, लेकिन मेरे अम्मी अबू को कौन समझाए? भाई इसीलिए तो कह रहा हूँ कि तुमने थोड़ी जल्दी कर दी है। पता बात क्या, मैं डर गई, मुझे डर रहता है कि मेरे साथ वो ना हो जाए जो पहले हुआ था। अरे वैसा नहीं होगा, मुझे नहीं मालूम कि तब क्या हुआ है, लेकिन जहां तक मेरा ताल्लुक है तो मैं वाकई तुम्हारे पकड़ नहीं जा सकता, सीरियसली। हाँ इसीलिए बार बार इंतजार कर रहे ना मुझे भी। देखो कुछ काम ऐसे होते हैं जो अपने वक्त पे ही अच्छे लगते हैं। क्या हुआ, अब आप पीछे क्या देख रहे हैं? गाड़ी वाला काफी देर से हमें फॉलो कर रहा है। नहीं मैंने तो नोट नहीं किया, मैं समझाता नहीं। मेरे दोस्त के फार्म हाउस। वो दानिया नहीं आई अब तक। आ जाती है, तू फिकर क्यों करती है? आपको पता है ना कल किस तरह से उठकर गई थी वो। मेरा नहीं ख्याल कि वो इस हद तक जाए। पर क्या पता चलता है कब पांव फिसल जाए। तू परेशान ना हो, आ जाती है, ज्यादा परेशानी है तो फोन कर ले। किया था दो तीन बार मगर बंद है फोन। मैं ऐसा करता हूँ कि मैं खुद पता करता हूँ। अरे नहीं नहीं आपकी तबीयत ठीक नहीं है, देख लेते हैं थोड़ी देर और, वरना मैं चलूंगी आपके साथ। अल्लाह माफ कर दे, माफ कर दे मेरे मालिक। कहां से आ रही है इस वक्त, क्या तमाशा लगा रखा है ये तूने? मैं किस तरह बात कर रही हूं, ये कोई वक्त है घर आने का? शर्म नहीं आती तुझे? अरे आप बिल्कुल गलत समझ रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए आप, मेरे अपने घर वाले मुझ पे एतबार नहीं करते। चलो मैं बात करता हूँ उनसे, चलो। ऐसी शादी पर लोग क्या कहेंगे? अब्बू आपको लोगों की परवाह है, अपनी बेटी की पसंद ना पसंद की कोई परवाह नहीं है। जब हमसे पूछा है तो हमें बात कर लेने दे, वरना जो तेरी मर्जी आए कर, हम कौन होते हैं बीच में बोलने वाले? देखिए आप सारे मामले को किसी और तरह से ले रहे हैं। हम बेटी वाले नबील साहब, हमारे बहुत सारे कंसर्न्स हैं। जी मैं जानता हूँ, बिल्कुल जानता हूँ, और
होने भी चाहिए आपके कंसर्न। अगर कलकला को आपकी बीवी ने कहा कि दानिया को छोड़ दो तो? आप इसकी क्यों फिक्र कर रही हैं? जब मैं आपसे कह रहा हूँ कि ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। फिक्र कैसे ना करें, बाद में बहुत सारे मसाइल हो जाते हैं। जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, इसीलिए मैंने आपसे कहा ना कि आपकी जो भी शरायत है वो मुझे मंजूर। बुरा ना मनाना पर आप ना थोड़े मुझे मशकूक टाइप के लग रहे हो। तुम ये बात सोच भी कैसे सकती हो? क्यों करवाऊंगा तुम्हारे हवाले से इंक्वायरी में, बोलो। बाबा ने मुझे खुद बताया। मैडम आ जाएं, सारी बात उन्हें बता देते हैं, फिर जैसा वो कहेंगी वैसा कर लेंगे। कोई बात तो जरूर है, आज मेरी बेटी बड़ी खुश लग रही है। हाँ बात तो है, वैसे मेरे बगैर मेरा घर कैसा? ठीक है, क्यों क्या बात है? किसी की दावत की थी क्या तुमने? नहीं। करती ये आँखें हर सपने को जी जी करती हैं। हाँ।